महेंद्रगिरी पर्वत के घने जंगलों में युवा कल्कि अपने खोज पर निकल पड़ा था। उसे तलाश थी एक गुरु की, गुरु जो उसे वेदों की सच्ची शिक्षा दे सके, गुरु जो उसके लक्ष्य को पाने में उसकी मदद कर सके। उन्हीं जंगलों में घूमते घूमते कल्कि एक आश्रम के पास पहुंचता है। आश्रम के बाहर एक बहुत ही बूढ़ा खुशनुमा इंसान पत्थर पर बैठा नजर आता है। ऐसे घने भयानक जंगल में तुम अकेले कहां जा रहे हो बेटे? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इस वन के वासी तो नहीं लगते? जी नहीं, मैं इस वन का वासी नहीं, मैं यहां अपने गुरु को ढूंढने आया हूं। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? आज के जमाने में लोगों ने वेदों को तो भुला ही दिया है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि गुरु होता क्या है, और ऐसे जमाने में तुम अकेले निकल पड़े गुरु की तलाश में, वो भी इतने भयानक जंगल में। कौन हो बेटा तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कहां से ऐसी मूर्खता करने चले आए? जी हाँ, मैं गुरु की तलाश में हूँ। मैं संभल गांव से आया हूँ, और हमारे गांव के लोग खुद को बाहरी दुनिया से बहुत दूर रखते हैं, और इसीलिए हमने अपनी संस्कृति को आज भी बचा कर रखा है। क्या कहा, तुम संभल गांव से आए हो? क्या नाम है तुम्हारे पिता का? संभल गांव के प्रतिष्ठित ब्राह्मण विष्णु यश का मैं चौथा और सबसे छोटा पुत्र हूँ। वो कहते हैं कि आज भी इस पर्वत पर ऐसी कई सारी बस्तियां हैं जहाँ के लोग वेदों की सभ्यता का पालन करते हैं, और इसीलिए मुझे यहाँ ऐसे ब्राह्मण मिल सकते हैं जिनसे मैं वेदों की शिक्षा ले सकता हूँ। मतलब तुम तो क्या तुम कल्कि हो? आप मुझे जानते हैं? बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे पिता को भी। लेकिन कैसे? फिर तो पुत्र, तुम्हें यहाँ तुम्हारे पिता ने नहीं, तुम्हारी नियति ने भेजा है। ये क्या कह रहे हैं आप? सुनो पुत्र, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें शिक्षा दे सकता हूँ। आप? लेकिन आप हो कौन? मैं चारों वेद, व्याकरण और वेदांगों का ज्ञाता हूं, युद्ध की सारी कलाओं में निपुण हूं। धनुर्विद्या मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन आपका नाम क्या है? इतनी देर से आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन अपना नाम क्यों नहीं बता रहे? मैं वही हूं जो तुम हो। देखिए, आप कौन हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप शक्ल से एक धूत और धोखेबाज लगते हो। अगर आपको यूं ही मेरा समय नष्ट करना है तो मैं यहां से जा रहा हूं, मैं अपना गुरु खुद ढूंढ लूंगा। अच्छा, सोच लो, बाद में पछताना न पड़े। भली भांति सोच लिया है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। रुको कल्कि, मैं महान ऋषि जमदाग्नि का पुत्र भृगुकुल वंशज परशुराम हूं। मैं तुम्हें वो शिक्षा दे सकता हूं जो इस धरती पर तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। क्या भगवान परशुराम? क्षमा करे भगवान, मैं मंद बुद्धि आपको पहचान न सका। कोई बात नहीं पुत्र, धनुर्विद्या
तलवारबाजी, 64 कलाएं, व्याकरण, वेदांग, वेदों का ज्ञान, सभी कलाओं में, सभी विद्याओं में भगवान परशुराम ने कल्कि को पारंगत कर दिया। उसकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक महायोद्धा, महाधुरंधर, महाबली, महारथी कल्कि बन चुका था। भगवान, आपने जो अमूल्य ज्ञान मुझे प्रदान किया है उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। अब आप ही बताएं मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूं। कल्कि मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया वो मेरा धर्म था, अब इस ज्ञान का सही उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम भगवान शिव की आराधना करके उनसे अस्त्र पाओगे और गोस्वामी सुखदेव जी से परम ज्ञान, फिर सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करने के बाद तुम इस संसार पर विजय पाने के लिए निकल पड़ोगे। वो भयानक क्रूर कली जिसके भय से ये सारा संसार थर थर कांप रहा है, तुम उसका अंत करोगे। फिर तुम उन बौद्ध धर्म के उपासकों का भी विनाश करोगे जो अपने धर्म से भटककर इस धरती पर हिंसा और अधर्म फैला रहे हैं, और फिर देवापी और मरु को इस धरती का भार देकर तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम अपने इन कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से पूरा करोगे, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए कल्कि। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और फिर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हीं के वचनानुसार कल्कि शिव की आराधना करने के लिए चल पड़ता है। सो दोस्तों, ये था कल्कि सीरीज का तीसरा एपिसोड। आई होप आपको मजा आया होगा। आऊँगा अगले एपिसोड में इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए गुड बाय।